विकास कुमार और आज मैं सोयल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इफेक्टिव स्ट्रेस को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में भाई मैंने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, टोटल स्ट्रेस तक डिस्कस कर लिया था। टोटल स्ट्रेस हो गया था, पोर वाटर प्रेशर हो गया था, और क्या हो गया था, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका था। अब देखो आपके जेई के पेपर में 3-4 नोट पॉइंट आते हैं। नोट पॉइंट पहला कैसा नोट पॉइंट कौन सा होगा कि पेपर में पूछता है कि अगर स्टार्टिंग में जो वाटर टेबल है, स्टार्टिंग में जो वाटर टेबल है पहले कहाँ थी, ग्राउंड लेवल पे थी, लेकिन वो घट के कहाँ पे हो गई, वो ग्राउंड लेवल से क्या चले गई, थोड़ी नीचे चले गई। पहला केस ये बनता है। दूसरा केस कौन सा बनता है कि जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे है लेकिन अब बढ़ के कहाँ चली, ग्राउंड लेवल पे पहुंच गई, तब उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस का मान क्या होगा। तीसरा केस कौन सा होता है कि माना पहले ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पे थी, ग्राउंड लेवल पे थी, लेकिन अब बढ़ के क्या होगी, ग्राउंड लेवल से क्या हो चले गई, ऊपर चले गई। तो इस केस में पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, इस तरह टोटल स्ट्रेस के मान क्या क्या होंगे, कैसे कैसे चेंज होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिक्टेट करके बताऊंगा कैसे कैसे चेंज होता है। देखो सबसे पहले केस लिया भाई मैंने, केस पहला माना है क्या मेरे पास, ग्राउंड लेवल। ये क्या है, ग्राउंड लेवल माना है नीचे, ग्राउंड लेवल से पहले नीचे क्या है, टेबल, वाटर टेबल है यहाँ पर। ठीक है, जो इसके ऊपर जो सोयल है, माना यहाँ पे जो सोयल है जो क्या है, सूखी सोयल है, जिसका यूनिट वेट कितना है यहाँ पर, गामा है। जबकि इस सोयल के नीचे जो दूसरी सोयल है वो कौन सी है, सैचुरेटेड स्टेट में, माना उसका यूनिट वेट कितना है, गामा सैचुरेटेड। ठीक है, माना जो इसकी हाइट है वो कितनी है, H1, इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, H2 हाइट है। तो मुझे बोल रखा है कि भाई पहले ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पे थी, ग्राउंड लेवल से क्या थी, नीचे थी, माना कितने नीचे है वो, H1 हाइट पर है। तो मुझे क्या निकालना, A पॉइंट पर क्या निकालनी, स्ट्रेसेस निकालनी A पॉइंट पर। दोनों केस में स्ट्रेस, पहले केस क्या होगा कि जब ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ थी, नीचे थी, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पहुँचा दो, ग्राउंड लेवल पर पहुँचा दो, तब A पॉइंट पर स्ट्रेसेस का मान कैसे चेंज होगा। तो ये पहला केस है। तो देखो सिंपल, पहले A पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस निकाल लो, टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट A, पॉइंट ए पर टोटल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा भाई, गामा इंटू H1 हो जाएगा, प्लस इस पे कितना आएगा, गामा सैचुरेटेड गुणा H2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, गामा H1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू H2, ये क्या होगी, टोटल स्ट्रेस होगी। अब पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर पोर वाटर। तो मैं क्या बताऊँ, पीजोमीटर हेड क्या डाल देते थे, आप पीजोमीट्रिक ट्यूब डाल देते थे। तो देखो पानी का कहाँ तक राइज होगा, ग्राउंड वाटर लेवल तक राइज होगा, तो इसका प्रेशर कितना आ जाएगा यहाँ पर, यू ए पॉइंट पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, H2 इंटू गामा W। अब क्या निकाल लेंगे, A पॉइंट पर क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर। तो देखो यहाँ, गामा इंटू H1 प्लस के गामा 2 इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस H2 इंटू गामा W। तो देखो यहाँ से जब मैं कॉमन ले लूँगा, इसमें से H2 कॉमन ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, गामा H1 प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इंटू H2। तो कितना आएगा, गामा H1 प्लस के गामा सैचुरेटेड माइनस के गामा W किसके बराबर हो जाएगा, समर्ज यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा डैश इंटू H2। तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, ये क्या पहला कौन सा केस हो गया, पहला केस जब वाटर टेबल कहाँ है, ग्राउंड लेवल से नीचे है। अब दूसरा केस करूंगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि अब बताओ ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से बढ़ाकर कहाँ कर दी, ग्राउंड लेवल पे कर दी, वो क्या हो गया, दूसरा केस हो गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे देखो केस दूसरा, देखो यहाँ पर केस दूसरा, पहले देखो ये था यहाँ पर, अब इस बार क्या कर दी, ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पहुंचा दी, बिल्कुल यहीं पे पहुंचा दी, किस पे, ग्राउंड लेवल पे। तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल हो गया, क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल हो गया। अब प्रेशर निकालेंगे मुझे ए पॉइंट पे निकालेंगे, मैंने हाइट कितने, H1, ये कितनी हो गई, H2। तो इस बार जो मिट्टी होगी होगी तो क्या होगी, सैचुरेटेड हो जाएगी इस बार यहाँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल पहुंचे तो क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी, क्या होगा, गामा सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब देखो ए पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, H1 इंटू गामा सेट प्लस के H2 इंटू गामा सेट। अब पोर वाटर प्रेशर बताओ भाई, ए पॉइंट पर जब पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाऊंगा तो क्या पानी ऊपर तक राइज हो जाएगा वहां तक, तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस के H2 इंटू गामा W। तो U बराबर कितना है, H1 गामा W प्लस के H2 गामा W। अब इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ भाई, ए पॉइंट पर कितनी होती है, ए पॉइंट पर निकाल लो भाई अभी, तो टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस कितनी है वहां, H1 नहीं, हाँ H1 गामा सेट प्लस H2 गामा सेट माइनस H1 गामा W माइनस H2 गामा W। H1 कॉमन ले लिया, तो देखो ये यहाँ पे क्या जाएगा, गामा सेट सबमर्ज हो जाएगा प्लस के H2 के ना गामा सबमर्ज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से नीचे थे तब टोटल स्ट्रेस का मान कितना था वहाँ, गामा इंटू H1 प्लस के गामा सैचुरेटेड गुणा H2 था। ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड वाटर टेबल
जब ग्राउंड वाटर टेबल कहां पहुंची, ग्राउंड लेवल पहुंचेगी, तब टोटल स्ट्रेस का मान कितना है यहां पर, एच वन गामा सैचुरेटेड प्लस एच टू गामा सैचुरेटेड। तो मुझे पता है कि जो सैचुरेटेड जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, बल्क यूनिट वेट से बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि गामा सैचुरेटेड में किसका वेट आ जाता है, उसमें कौन कौन सा इंक्लूड जाता है, सोयल का वेट इंक्लूड हो जाता है प्लस पानी का वेट इंक्लूड हो जाता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब मैं मुझे पता है कि जो गामा सैचुरेटेड होता है क्या होता है, गामा बल्क से बड़ा होता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जब ग्राउंड वाटर टेबल नीचे से ग्राउंड लेवल पहुंच जाती है तो टोटल स्ट्रेस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो बढ़ने गया है यहाँ पर, क्योंकि गामा सैचुरेटेड आ गया दोनों केस में, यहाँ एक केस में क्या था गामा सैचुरेटेड, दूसरे केस में था गामा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल स्ट्रेस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा केस देखो, पोर वाटर प्रेशर, पहले पोर वाटर प्रेशर कितना था, एच टू इंटू गामा डब्ल्यू, लेकिन इस बार पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, एच वन प्लस के एच टू इंटू गामा डब्ल्यू होगा। तो मैं क्या कहूंगा भाई, पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ गया यहाँ से, ठीक है, दो केस हो गए। तीसरा केस देखो, इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मान, इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मान देखो यहाँ पे कितना था, गामा इंटू एच वन प्लस के एच टू इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस के, तो कितना था, गामा इंटू एच वन प्लस के गामा डैश इंटू एच टू, ये इफेक्टिव स्ट्रेसेस था। लेकिन दूसरे केस में इफेक्टिव स्ट्रेस कितना गया, एच वन इंटू गामा डैश प्लस के एच टू इंटू गामा डैश। तो मुझे पता है कि जो सबमर्ज यूनिट वेट होता है वो सबसे छोटा होता है, सबमर्ज जो यूनिट वेट होता है क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा या इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, इसमें हाइट वन H1 और H2 के साथ गामा डैश आ रहा है, मतलब सबमर्ज यूनिट वेट आ रहा है, इसमें H1 के साथ क्या रहा, बल्क यूनिट वेट आ रहा है, जबकि H2 के साथ क्या रहा, गामा डैश आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मान घट जाता है। तो क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मान घट जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो दूसरा केस, हाउस बिल्डिंग देखो, दूसरा केस, केस दूसरा, केस दूसरा मतलब देखो यहां पे क्या है, अब ग्राउंड वाटर टेबल देखो, ग्राउंड वाटर टेबल कहां पे होगी, देखो यहां पर इस बार कहां होगी, ग्राउंड लेवल पर ही होगी, ये क्या होगी, ग्राउंड वाटर टेबल भी यही हो गया और ग्राउंड लेवल भी यही पे हो गया, ठीक है। अब इसने पूछ रखा है कि दूसरा केस क्या होगा कि जब ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर है, पहला केस ही होगा, लेकिन उसके बाद देखो इस बार ग्राउंड वाटर टेबल कहां चलेगी, ग्राउंड लेवल पे पहुंच गई, लेकिन ग्राउंड लेवल भी वहीं पे, ये दूसरा केस है कि भाई ग्राउंड वाटर टेबल घटा के मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंड वाटर टेबल क्या, ग्राउंड लेवल से घटा के थोड़ा नीचे कर दूंगा, क्या कर दूंगा, थोड़ा नीचे कर दूंगा। तो ये पहला केस हो गया। तो मुझे देखो, चलो ये मैंने एक और लेयर ले ली, माना इसकी जो गामा सेट, ये गामा सेट हो गया, ये भी कितना होगा, गामा सेट हो गया, माना इसकी हाइट कितनी है एच वन, इसकी हाइट कितनी है एच टू, ये पहला केस हो गया। तो देखो ए पॉइंट में मुझे टोटल स्ट्रेस निकालनी, तो टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, एच वन गामा सेट, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ठीक है, एच टू इंटू गामा सेट। पोर वाटर प्रेशर बताओ भाई ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा ए पॉइंट पर, यहाँ पर एच वन प्लस के एच टू इंटू गामा डब्ल्यू। इफेक्टिव स्ट्रेस बताओ भाई ए पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, टोटल माइनस के हो जाएगा, एच वन गामा सैचुरेटेड प्लस के एच टू गामा सैचुरेटेड माइनस एच वन गामा डब्ल्यू माइनस के गामा डब्ल्यू इंटू एच टू, तो कितना एच वन गामा डैश प्लस के एच टू गामा डैश, ये आ गई इफेक्टिव स्ट्रेसेस किस पे, ए पॉइंट पे, पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या करूँ मैं, देखो अब ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगी, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होगी, थोड़ी घट गई नीचे, ये क्या होगी, घटा दी मैंने, ये क्या कर दी, घटा दी, मैंने इसकी हाइट कितनी एच टू, इसका क्या था, गामा सैचुरेटेड, लेकिन जो इसके ऊपर जो सोयल होगी, इसके ऊपर जो सोयल होगी वो क्या होगी, सूख नहीं जाएगी। तो मैं देखो ये यहाँ पे सूख ही देता हूँ, यहाँ पे यार क्या सैचुरेटेड भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मान निकालता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ गामा क्या होगी, गामा बल के बराबर होगी, ये क्या हो जाएगा, एच वन हो जाएगा, ये क्या होगा, एच टू। अब फिर ए पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस निकालो, तो ए पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस निकालते हैं, देखो यहाँ पर गामा इंटू एच वन प्लस के एच टू इंटू गामा सैचुरेटेड। अब ए पॉइंट पर क्या निकालेंगे, पोर वाटर निकालेंगे। अब देखो पीजोमीटर यहाँ लगाऊंगा, तो यहाँ इस लाइट तक पानी हाइड्रेटेड होगी, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, एच टू इंटू गामा डब्ल्यू। अब इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे पॉइंट पर, सिग्मा ए माइनस के यू कर देंगे, तो गामा एच वन प्लस के गामा एच टू इंटू गामा सैचुरेटेड माइनस एच टू इंटू गामा डब्ल्यू। तो सिग्मा ए बराबर कितना जाएगा, गामा एच वन प्लस के एच टू को मान लेंगे, क्या जाएगा, गामा डैश हो जाएगा। अब देखो केस कौन सा है, जब ग्राउंड वाटर टेबल घटाकर नीचे चले गई हो, नीचे चली गई हो, तब टोटल स्ट्रेस तथा इफेक्टिव स्ट्रेस का मान कैसे बढ़ता है। अब देखो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस
टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट पे देखो, टोटल स्ट्रेस यहाँ पे कितनी गामा एच वन इंटू गामा सैचुरेटेड प्लस के एच टू इंटू गामा सैचुरेटेड। लेकिन जब ग्राउंड वाटर टेबल घट के नीचे चलेगी तो वहाँ पे टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, गामा इंटू एच वन प्लस के एच टू इंटू गामा सैचुरेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि जो गामा क्या होता है सैचुरेटेड से कम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल स्ट्रेस का मान क्या होता है घट जाता है, क्योंकि इसके एच वन एच टू के साथ दोनों के साथ क्या गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे क्या है एक के साथ गामा सैचुरेटेड दूसरे के साथ क्या है बल्क यूनिट वेट। तो इसका मतलब क्या है पानी का वेट घट गया भाई, वहाँ पर क्या हो गया पानी का वेट घट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया टोटल स्ट्रेस का मान घट गया। ठीक है, अब देखो U पोर वाटर प्रेशर, पहले केस में पोर वाटर प्रेशर कितना था एच वन प्लस के एच टू इंटू गामा डब्ल्यू था, दूसरे केस में कितना होगा एच टू इंटू गामा डब्ल्यू होगा, तो इसका मतलब क्या है पोर वाटर प्रेशर भी घट गया, चलो घट गया। इफेक्टिव स्ट्रेसेस देखेंगे ए पॉइंट पर, इफेक्टिव स्ट्रेसेस का मान बताओ, इफेक्टिव स्ट्रेस पहले क्या देखो एच वन एच टू के साथ दोनों के साथ क्या सबमर्ज यूनिट वेट था, जबकि दूसरे केस में क्या होगा इफेक्टिव स्ट्रेस का मान एक के साथ क्या सबमर्ज यूनिट वेट है दूसरे के साथ क्या बल्क यूनिट वेट, तो इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे पता है कि बल्क यूनिट वेट सबमर्ज यूनिट वेट से बड़ा होता है, तो इस केस में ये जो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होगा इसके मैग्नीट्यूड से काफी बड़ा होगा, क्योंकि इससे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा ये बचेगा, तो मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से क्या होता है ज्यादा होता है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये वाले जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाती बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, तो ओके गाइस थैंक यू, नेक्स्ट केस में अगले लेक्चर।